नाबालिग शिष्या से मुंह काला करने के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू की उम्र करीब 80 साल की है, लेकिन इस उम्र में भी वो जेल की सलाखों के पीछे है। बता दें कि दोषी करार देते ही आसाराम अपने बुढ़ापे और बीमारी का हवाला देते हुए रिहाई की मांग करने लगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद भगवान कहने वाला आसाराम एक अजीबोगरीब बीमारी से गुजर रहे हैं। जी हाँ, इस बीमारी को आधार बनाकर आसाराम कई बार जमानत भी मांग भी चुके हैं। यही नहीं, इस बीमारी से बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान भी पीड़ित हैं। अब इसे इत्तेफाक कहें या अनहोनी, जेल में आसपास बेरक में सजा काट चुके आसाराम और सलमान खान दोनों ही एक किस्म की सुसाइडल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। ये बीमारी दिमाग की नर्व से जुड़ी है। आइए जानते हैं कि ये कौन सी बीमारी है और इसके क्या खतरे हैं। दरअसल आसाराम जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसे ट्रिगमिनल न्यूराजिलिया के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि आम भाषा में इसे सुसाइडल बीमारी भी कहा जाता है। खबरों की मानी जाए तो पिछले करीब 18 सालों से आसाराम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी की वजह से इतना तेज दर्द होता है कि मरीज के जहन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। वहीं सलमान खान ने भी कुछ समय पहले इस बीमारी के बारे में खुलासा किया था कि उन्हें ट्रिगमिनल न्यूरालाजिया नामक फेशियल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये चेहरे से जुड़ी एक बीमारी है। झंझनाहट के चलते मरीज हमेशा दर्द में रहता है। क्योरेन हेल्डेस्क रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।